हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल यूनिवर्सल टेलीग्राम में। आज हम देखने वाले हैं बॉन्ड्स ऑफ फूड के बारे में कि जो थ्री ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से थ्री ग्रुप्स है वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ टार्सल्स बॉन्ड, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज़ अ टार्सल्स बॉन्ड्स। सेकेंड वन इज़ अ मेटाटार्सल्स, ओके, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज़ अ मेटाटार्सल्स। एंड थर्ड वन इज़ अ फैलेंजिस, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज़ अ फैलेंजिस। और सभी बॉन्ड्स को अब हम देखते हैं डिटेल में। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट हम बात करते हैं टार्सल्स बोन के बारे में कि जो ये हमारे टार्सल बोन है वो क्यूबिकल शेप में होते हैं कि जिसे सिक्स सर्फेसिस होती है। और जो ये हमारे टार्सल बोन है वो हमारे वन फुट दैट मीन्स वन साइड के अंदर सेवन बोन्स होते हैं, और हमारे सेकेंड फुट दैट मीन्स सेकेंड साइड के अंदर सेवन बोन्स होते हैं कि जो हमारे होल स्केलेटन के अंदर 14 टार्सल बोन होते हैं। अगर आपको स्केलेटन के नंबर ऑफ बोन्स के बारे में डिटेल में देखना है तो आप हमारे होल मॉडल ऑफ स्केलेटन का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारे सेवन टार्सल्स बोन है वो टू रोज में अरेंज होते हैं। कौन कौन सी टू रोज होती है वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज अ प्रॉक्सिमल रो, दिस वन इज अ प्रॉक्सिमल रो, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज अ डिस्टल रो, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज अ डिस्टल रो। अब हम टू रोज को डिटेल में देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट हम बात करते हैं हमारी प्रॉक्सिमल रो के बारे में कि जो ये हमारे प्रॉक्सिमल रो है उसके अंदर टू बॉन्स होते हैं। वन इज अ टैलस बॉन, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज अ टैलस बॉन। एंड सेकेंड वन इज अ कैल्केनियम बॉन। जो ये हमारा टैलस बॉन है वो हमारे प्रॉक्सिमल रो के अबो पोर्शन में कंसिस्ट होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो ये हमारा कैल्केनियम बॉन है वो हमारे प्रॉक्सिमल रो के बिलो पोर्शन में कंसिस्ट होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो ये हमारे टार्सल बोन्स है उसके फर्स्ट रो दैट मीन्स प्रॉक्सिमल रो के बारे में हमने लर्न कर लिया है। अब हम इसकी सेकेंड रो दैट मीन्स डिस्टल रो के बारे में भी लर्न कर लेते हैं कि जो ये हमारे डिस्टल रो है वो फोर बोन कंसिस्ट करती है विच लाइज साइड बाय साइड। फर्स्ट हम इसके बोन्स के बारे में भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज अ क्यूबॉइड बोन, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज अ क्यूबॉइड बोन। सेकेंड वन इज अ लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज अ लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन। दिस वन इज अ इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन। एंड दिस वन इज अ मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज अ मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। एंड दिस वन इज अ नेविक्युलर बोन, कि जो हमारे टू बोन्स के बीच में आया होता है, ओके, जैसे हम कह सकते हैं नेविक्युलर बोन। ये फ्रेंड्स, अब जो ये हमारे बॉन्स ऑफ फूट है उसके फर्स्ट पार्ट दैट मीन्स टार्सल बॉन्स के बारे में हमने लर्न कर लिया है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट दैट मीन्स मेटाटार्सल्स के बारे में भी लर्न कर लेते हैं कि जो फाइव बॉन्स होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज अ फाइव बॉन्स ऑफ द मेटाटार्सल्स। और जो ये हमारे मेटाटार्सल्स है वो लॉन्ग बॉन होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो ये हमारे मेटाटार्सल्स है वो थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। कौन कौन से थ्री पार्ट्स है वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज अ हेड, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसे हम डिस्टल एंड भी कहते हैं। सेकेंड वन इज अ शाफ्ट, कि जो यहाँ पर है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज अ शाफ्ट। एंड थर्ड वन इज अ बेस, कि जिसे हम प्रॉक्सिमल एंड भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो ये हमारे बॉन्स ऑफ फूट है उसके सेकेंड पार्ट दैट मीन्स मेटाटार्सल्स के बारे में भी हमने लर्न कर लिया है। अब हम इसके थर्ड पार्ट दैट मीन्स फैलेंजिस के बारे में भी देख लेते हैं कि जो ये हमारे फैलेंजिस है वो 14 बॉन्स होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो ये हमारे फैलेंजिस है वो थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। कौन कौन से थ्री पार्ट्स है वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज अ डिस्टल फैलेंजिस, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज अ डिस्टल फैलेंजिस। सेकेंड वन इज अ मीडियल फैलेंजिस, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज अ मीडियल फैलेंजिस। एंड थर्ड वन इज अ प्रॉक्सिमल फैलेंजिस, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज अ प्रॉक्सिमल फैलेंजिस। और जो ये हमारे फुट के फैलेंजिस है वो हमारे हैंड के फैलेंजिस से स्मॉल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हमने बॉन्स ऑफ फूट के बारे में अच्छे से लर्न कर लिया है। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको नर्सिंग और मेडिकल के रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव इमेजेस और नोट्स चाहिए तो आप जो हमारी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की चैनल है वहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और हम आगे भी ऐसे एजुकेशनल टॉपिक के साथ आते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।